हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टी आर बहादुरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक कैलेंडर का डिज़ाइन, जो कि हम लोगों के लिए ही है, यानी अपनी दुकान का प्रचार करने के लिए हम कैलेंडर छाप के देंगे। तो प्रिंटिंग शॉप का ये कैलेंडर का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। मैं इसको बनाना भी अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपको सीखना है तो इसको सीख लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, ये जो कॉर्नर है आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको सेट कर दिया गया है। ऊपर यहाँ पे आप नाम लिख देंगे अपनी दुकान का, और यहाँ पर आप एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पर आप एड्रेस डाल देंगे। और इसके साइड में जो डिज़ाइन है ये भी नेट से ही डाउनलोड किया गया है, और यहाँ पे देख लीजिए मैंने साइड में दे दिया है, इतना सारा है। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई भी उठा के डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। बाकी इसका कॉर्नर भी नेट से ही डाउनलोड किया गया है, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा है। हाँ, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये चीज़, तो ये हो सकता है कि जो नए लोग हों उनको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो उनके लिए मैं बता दूं, रेक्टेंगल टूल, ठीक है, आप यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद शेप टूल पे आते हैं, तो देखिए हम जैसे ही इसको पकड़ के ऐसे करते हैं तो ये राउंड हो जाता है, ये राउंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये X3A का वर्जन हमारा, इसलिए यहाँ पे राउंड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है ये इसकी डिज़ाइन के लिए। लेकिन अगर यही आपका अगर X7 है या X6 है या जो भी है X18 है, तो उसमें जैसे ही आप शेप टूल पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको डिज़ाइन दे देगा कि किस डिज़ाइन में आपको ये चाहिए। यहाँ पे करने से देखिए एक साइड का यहाँ पे, क्योंकि चारों सेलेक्ट है तो ये बढ़ रहा है, तो ये ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए आपको दे देगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोरलड्रा का वर्जन, तो आप इस डिज़ाइन को X3 में ही कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक सर्कल ले लीजिए छोटा सा इस टाइप का, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये सर्कल आपने ले लिया, प्लस के निशान से इसको दो कर लीजिए, कंट्रोल के साथ आप इधर खींच दीजिए, और जितना इधर सेलेक्ट है उतना ही पे इधर कर दीजिए, फिर दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसको भी प्लस कर लीजिए और ऐसे ही नीचे ला दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद चारों को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और इसे ट्रम कर दीजिए, ये हो गया। अब बीच वाले को आप उठा के इधर ला सकते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। ये देखिए डिज़ाइन वैसे ही हमारी बन चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर आप कोरलड्रा का नया लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शेप टूल पे जैसे ही जाएंगे तो ऊपर आपको ऑप्शन दे देगा, इसमें सिर्फ राउंड करने के लिए दे रहा है, उसमें ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए दे देगा। तो ये आप समझ चुके हैं, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जो कुछ मतलब काम करते हैं उसका नाम डाल सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा आप काम करते हैं तो इसको 3 लाइन में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद इसको आप प्रिंट करके अच्छे से छाप सकते हैं, और अगर आपके पास लोगो वगैरह हो तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने इसमें बता दिया, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं, बस यही था। बाकी जो कॉर्नर है वो भी नेट से डाउनलोड किया गया है, ये जो डिज़ाइन है ये भी नेट से ही डाउनलोड किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप मेरी वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप मेरे वेबसाइट पर जाते हैं तो कुछ देर वहाँ पर रुक जाया कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ जाने के बाद डाउनलोड करिए तुरंत हट जाइए, क्योंकि ऐसा आपके करने से गूगल की नज़र में जो मेरी वेबसाइट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसे ये लगेगा कि इस वेबसाइट में कुछ नहीं है, लोग आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, तो इसलिए रैंकिंग जो हमारा है वो घट जाएगा। तो आप जाएँ तो उस पर जो मैंने लिखा है उसको पढ़ लिया कीजिए, या थोड़ा बहुत देर तक रुक जाया कीजिए, उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी फाइलें आपको डाउनलोड करने के लिए मैं दे रहा हूँ। हाँ, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे मैं वो आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपको खुल के आ जाएगा, ठीक है, ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा लिंक पे क्लिक करते ही। और यहाँ पे आप आएंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन देगा, देखिए आप लोग तुरंत एक बार डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करके चले जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 बार डाउनलोड लिख दिया है। अब इसमें से आपको देखना है कि किस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा, इसमें एक ही डाउनलोड का ऑप्शन है जो काम करेगा, अब वो आपको खुद अपने हिसाब से जानना है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक बार डाउनलोड करके चले जाते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।